नमस्कार, स्वागत है आपका आना इन टीवी पर। मैं हूं आपके साथ श्वेता भट्टाचार्य। 4 बज चुके हैं, फेस टू फेस का वक्त हो चुका है और फेस टू फेस में हम एक मुद्दा उठाते हैं और दो हमारे साथ मेहमान जुड़ते हैं जो अपनी अपनी बात रखते हैं, लेकिन फैसला जो है वो जनता को करना होता है। जी हाँ, आज का विषय छपाक वर्सेस तान्हाजी। जी हाँ, अब ये रुपहले पर्दे की लड़ाई जो है वो सियासी लड़ाई बनती जा रही है। कोई हॉल बुक कराता है फिल्म छपाक के लिए, तो कहीं तान्हाजी टैक्स पर टैक्स फ्री किया जाता है। अब सियासी गलियारों में भी इन दोनों मूवी को लेकर तलवारें जो हैं खिंच चुकी हैं। किसकी कमाई कितनी ज्यादा है, इससे कहीं ना कहीं कौन सी पार्टी किसे फेवर कर रही है, इस पर भी असर पड़ने वाला है। तो फिल्मों पर सियासत कोई आम बात, कोई नई बात नहीं है। जी हाँ, मौजूदा वक्त में दो फिल्मों के बीच पर्दे पर कमाई को लेकर टक्कर है। अब तान्हाजी या छपाक कौन ज्यादा कमाई करती है, इस पर सभी सियासी पार्टियों की नजर है। इसे लेकर क्या सियासी समीकरण है, किस तरह से पार्टियां एक दूसरे को काटने में लगी है, एक दूसरे की मूवी को हिट बनाने में लगी हुई है। चाहे कांग्रेस हो, वो छपाक को सपोर्ट कर रही है या सपा का भी हमने समर्थन देखा है, वहीं बीजेपी जो है, और यूपी में हमने देखा टैक्स फ्री कर दी है तान्हाजी। तो आप समझ सकते हैं कि रुपहले पर्दे की लड़ाई कैसे पहुंच चुकी है अब सियासी गलियारों में। हमारे साथ दो गेस्ट जुड़ेंगे। बीजेपी के संदीप दुबे हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं और कांग्रेस के रफी अता, दोनों अपनी बात आपके सामने रखेंगे। फैसला आपको करना है कि किसकी बात ज्यादा सटीक है और सियासत कहां हो रही है। दोनों गेस्ट का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहले शुरुआत करें, लेकिन एक रिपोर्ट पर नजर डालेंगे। इस रिपोर्ट को देखें और उसके बाद हम सीधा रुख करेंगे अपने गेस्ट का। मालती की पीआईएल की वजह से काफी चर्चित हुआ है ना एसेट का मुद्दा। कहां है मालती? आप अपना चेहरा दिखाएंगी ताकि पब्लिक को इस हिंसा की गहराई दिख सके। लोग वसीयत में बहुत कुछ छोड़ जाते हैं, मैं तेरे लिए कर्ज छोड़कर जा रहा हूँ, इस मिट्टी की आजादी। जिस तरह उत्तर हिंदुस्तान का पाया तख्त है दिल्ली, उसी तरह दक्षिण हिंद का पाया तख्त होगा गोंधाना। फिल्मों में सियासत, कांग्रेस का छपाक को समर्थन। इट्स इंपॉर्टेंट कि मालती अब सिर्फ अपना नया चेहरा देखे सर्जरी के बाद। योगी ने दिया कांग्रेस को जवाब। यूपी में तान्हाजी टैक्स फ्री। लोग वसीयत में बहुत कुछ छोड़ जाते हैं, मैं तेरे लिए कर्ज छोड़कर जा रहा हूँ। तान्हाजी और छपाक में कमाई की जंग। बाहर आओगे, लड़ना है। पुलिस के हिसाब से तो आपने बयान दिया था कि मालती आपकी गर्लफ्रेंड है। मैंने ऐसा नहीं बोला। कौन किस पर है भारी? हम जूते नहीं पहनेंगे। थाना जीतना इतना आसान नहीं है। एक ही शिलेदार। फिल्मों पर सियासत कोई नई बात नहीं है, लेकिन मौजूदा वक्त में दो फिल्में सियासत के केंद्र में हैं। एक अजय देवगन की तान्हाजी, तो दूसरी दीपिका पादुकोण की छपाक। पहले सोशल मीडिया पर जंग शुरू हुई, तो फिर सियासी गलियों में माहौल फिल्मी दिखा। अब जो इन दोनों फिल्मों के बीच जंग चल रही है वो ये कि कौन सी फिल्म किस पर भारी पड़ती है। इससे पहले सबकी नजर इस बात पर थी कि छपाक आगे निकलती है या अजय देवगन की फिल्म तान्हाजी, और दीपिका के जेएनयू जाने के बाद पूरा मामला राजनीतिक भी हुआ। मिलता ही नहीं तो भिकता भी नहीं। तान्हाजी और छपाक दोनों फिल्मों से बॉलीवुड के दिग्गज स्टार जुड़े हुए हैं। जहां एक ओर तान्हाजी में अजय देवगन और काजोल हैं, तो दूसरी ओर दीपिका पादुकोण। तू ही बता, कौरव और पांडवों में जीत किसकी हुई? वही दोनों फिल्मों की स्टोरी सत्य घटना पर आधारित है। इन दोनों फिल्मों को सियासी चश्मे से देखें तो एक तरफ बीजेपी शासित राज्यों में तान्हाजी का समर्थन हुआ, टैक्स फ्री हुई, तो वहीं कांग्रेस शासित राज्यों में छपाक का समर्थन होता दिखा। उत्तर प्रदेश में जहां दोनों फिल्मों के रिलीज होने के बाद समाजवादी पार्टी ने छपाक देखने के लिए पूरा हॉल बुक कराया, तो अब योगी सरकार ने प्रदेश में तान्हाजी को टैक्स फ्री किया है। कौरव और पांडवों में जीत किसकी हुई? अगर कमाई की बात करें तो कौन किस पर भारी है। छपाक का बजट लगभग 35 से 40 करोड़ रुपए था। दीपिका की फिल्म ने 4 दिनों में 21.37 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। पहले दिन
4.77 करोड़ की कमाई। फिल्म ने शनिवार को 6.90 करोड़ से ऊपर की कमाई की। रविवार को फिल्म ने 7 से 7.50 करोड़ रुपए की कमाई की थी। सोमवार को फिल्म ने 2.35 करोड़ की कमाई की। वही बात अगर तानाजी की करें तो तानाजी का बजट 150 करोड़ रुपए के करीब है। 4 दिन में मूवी ने भारतीय बाजार में 75.68 करोड़ का कलेक्शन किया है। शुक्रवार को फिल्म ने 15.10 करोड़ कमाए। शनिवार को 20.57 करोड़, रविवार को 26.26 करोड़, सोमवार को 13.75 करोड़ की कमाई की है। बहरहाल सियासी हंगामे के बीच कमाई के मामले में तानाजी छपाक पर भारी पड़ती दिख रही है, लेकिन यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि तानाजी का बजट 150 करोड़ का है, तो वही छपाक को बनाने में 35 से 40 करोड़ ही खर्च हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। कितना अच्छा होता अगर ऐसे बिकता ही नहीं, मिलता ही नहीं तो। तो देखा आपने, ये दो मूवी जो है पहले पर्दे पर रिलीज हुई है, लेकिन इस मूवी को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। तो सबसे पहले हमारे दोनों गेस्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले तो संदीप जी, आपसे कि टैक्स फ्री, ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई मूवी टैक्स फ्री की गई है, और अच्छी बात है चलिए कि तान्हाजी द अनसंग वॉरियर जिस तरह की मूवी है और मैंने देखी है, तो वाकई में कहीं ना कहीं मोटिवेट करने वाली मूवी है, लोगों को पता चलना चाहिए। लेकिन टाइमिंग पर तो सवाल उठेंगे, छपाक के लिए नहीं और सिर्फ तान्हाजी के लिए टैक्स फ्री। देखिए, सरकार किसी से कोई विभेद नहीं करती, कोई भेद नहीं है। जहाँ तक बात है कि देखिए, हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सब लोग को मिलके अपने राष्ट्र के लिए बेहतर करने की आवश्यकता है, और हम जितना बेहतरी के लिए सोचेंगे, वो पिक्चर भी बनाने वाले जो निर्माता हैं, जो निर्देशक हैं, जो पिक्चरें बनाते हैं या जो उसमें भूमिका लेते हैं या अदाकारा होते हैं, उन सबकी भी अपनी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो समाज के लिए काम करें। मैं कहता हूँ कि जिन लोगों का विरोध भी हो रहा है, उन लोगों ने ये विषय क्यों नहीं सोचा है कि वो कभी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जब बड़ा आंदोलन होता है तो उसमें क्यों नहीं शामिल होते हैं? जब देश को जोड़ने की बात होती है, कहीं मिलावटखोरी के खिलाफ कोई आंदोलन हो, उसमें क्यों नहीं शामिल होते हैं? तो हम लोग को सोचना है कि इस देश में अपनी भूमिका हम कैसे बेहतर ढंग से अदा करें, जिससे ये देश हमें रोल मॉडल के तौर पर देखे। मैं पिक्चरों को जहां तक बात कहूं तो एक अभिव्यक्ति है आम आदमी की, और दोनों अभिव्यक्तियां, वो चाहे अपनी तानाजी हो या दीपिका जी की मूवी हो, दोनों अभिव्यक्ति का स्वागत है। और सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पिक्चर देखें, बेहतर करें, और जो समाज के लिए बेहतर हो उसको जनता को डिसाइड करने दीजिए। जेएनयू के बाद छपाक से दूरी क्यों, इश्यू तो उसमें भी बहुत अच्छा उठाया गया है सर। देखिए, कोई छपाक से दूरी नहीं है, मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि हम सब लोग को बेहतर काम करने और जनता पे छोड़ देते हैं, जनता तय करेगी कौन सी मूवी अच्छी है कौन सी बुरी है। मूवी की राजनीति में राजनीतिक पार्टियां नहीं पड़ती, नहीं पड़ती। रफी जी, राजनीतिक पार्टियां मूवी के पैर में नहीं फंसती, और पहले पर्दे की लड़ाई सियासी गलियारे में नहीं है, ये कह रहे हैं संदीप जी, आप सहमत हैं? आप तो सीधे सीधे कांग्रेस सपोर्ट कर रही है छपाक को। सर, हम तो सभी मूवियों को सपोर्ट करते हैं श्वेता जी। राजनीति जो कांग्रेस है ना, सही कह रहे हैं, ये राजनीतिक दल नहीं पढ़ते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है। इनके जो अनुषांगिक संगठन जितने हैं ना, जितने भी RSS के, ये लोग देखिए, ये पढ़ते नहीं है, ये किसी फिल्मों की राजनीति में ये नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पद्मावत का विरोध करते हैं, ये फिल्मों की राजनीति में नहीं पढ़ते हैं, ये टीपू सुल्तान का विरोध करते हैं, ये फिल्मों की राजनीति में नहीं पढ़ते हैं, जो वो अकबर के ऊपर फिल्म आई थी उसका विरोध करते हैं, जोधा को लेके, ये नहीं पढ़ते हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। मुझे पता है ये बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इन लोगों का इतिहास यही है। ये क्या करते हैं, देखिए, मुझे एक बात कहना पड़ेगा, ये कांग्रेस के मित्र जो इतिहास में चले जाते हैं, तो भारत का इतिहास इनको पता ही नहीं है। मुझे इतिहास भी आपको पढ़ाना पड़ेगा, इतिहास अरे सर, हम आपको इतिहास पढ़ाएंगे, आपको समझने की जरूरत है, आप हिंदुस्तान के इतिहास को समझने की आपके लिए जरूरत है, हमारे लिए जरूरत नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं आप, हिंदुस्तान के इतिहास को जानते हैं, आप हड़प्पा मोहनजोदड़ो को जानते हैं क्या, आप हड़प्पा मोहनजोदड़ो की संस्कृति जानते हैं क्या, आप इस देश की लोकतांत्रिक परंपरा को जानते हैं क्या, आप सिर्फ भगवान को जानते हैं, आप सिर्फ हिंदुत्व को जानते हैं, आप सिर्फ अलगाववाद को जानते हैं, आप सिर्फ हिंदू और मुसलमान को डिवाइड करना जानते हैं, आप यहाँ भी यही है, देश को हिंदू मुसलमान के झगड़े में क्यों ताल यही काम है, आप क्यों लगाते हो झगड़ा, क्यों लगाते हो बांटने का काम, क्यों करते
कैसी सोच अपना रखी आपने देश के लिए? अरे दीपिका जी आपके लिए रोल मॉडल हो सकती है देश के लिए। दीपिका जी अभिनेत्री है, आप रोल मॉडल बनाने प्रस्तुत कर रहे हो। आप आंदोलन को आंदोलन रहने दो साहब, आप आंदोलन को फिल्म का प्रमोशन स्तर मत बनाइए, मत बनने दीजिए। अब जानिए कांग्रेस का जो इतिहास है, कांग्रेस के इतिहास के लोग, कांग्रेस के लोग कांग्रेस का इतिहास नहीं जानते। दिक्कत यही हो गई है, कांग्रेस के लोग आज पिक्चरों पे बात करते हैं, कांग्रेस के लोग महंगाई पे नहीं बात करते, कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार पे बात नहीं करते। कांग्रेस के लोगों को भ्रष्टाचार पे आंदोलन नहीं करना है, बुराई के खिलाफ नहीं लड़ना है, कांग्रेस को सिर्फ फिल्मों के प्रमोशन पे अब काम करना है। इतनी गिरेगी कांग्रेस, इतनी गिरेगी कांग्रेस के मैंने सोचा नहीं था, देश की जनता ने सोचा नहीं था। देश की जनता आपको जवाब दे रही है, देश की जनता आप योगी जी पे मत जाइए, आप अपनी बात करिए, अपने विचारधारा बात करिए। आप लोगों ने ऐसा देश क्यों बना दिया जहाँ पे हर गली गली में आप बुराई पैदा करते हो, आप अच्छाई के साथ क्यों नहीं खड़े रह सकते? आप ऐसा क्यों नहीं कांग्रेस काम करती कि जनता उसके साथ खड़ी हो? हमेशा दूसरों के सीट पे आप क्यों लगाते हो? क्यों दूसरे का घर जलाते हो? प्लीज दूसरे का घर जलाना बंद करिए, ये देश सबका है, अभिव्यक्ति की आजादी सबकी है, उसके हकों की रक्षा करना है। आपने एक देशभक्ति फिल्म आपको बुरी लगती है, आपको एक देशभक्ति फिल्म बुरी लगती है, आप नहीं चाहते ये देश देश के लोगों द्वारा चलाया जाए, आप चाहते ये देश जो लोग इस देश को बांटना चाहते हैं उसके द्वारा चलाया जाए। आप चिल्लाइए हल्ला करिए, ये आपकी आजादी है, लेकिन इस देश के बारे में पहले सोचिए कि ये देश हमसे भी बनता है, हमसे भी बनता है, हमसे ही बनता है। लेकिन आपको लेकिन 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 क्या सियासी स्तर यहाँ आ जाएगा? सियासी स्तर मेरे दोनों पार्टियों से, मैंने दोनों पार्टी के प्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी को नहीं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों से। अब स्तर ये हो गया क्या लेवल यहाँ पहुँच गया? आप लोग फिल्मों को देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गई साहब? मुद्दे नहीं है क्या? सपने में भी मोदी जी आते हैं, कांग्रेस को सपने में भी भारतीय जनता पार्टी आते हैं, सपना देखना बंद करिए, जो देश के लिए सही है वो तो सोचिए, देश के लिए सही है उसका समर्थन तो करिए। कितनी मेरी पटरी है, गाल कितना बजाएगी कांग्रेस? कांग्रेस गाल बजाना बंद करे, देश के सही लोगों के सामने सही मुद्दा रखे, सही विषय पे बात करे, सही तथ्य रखे। जब तक हम किसी मूवी के सर, हम किसी पिक्चर के विरोधी नहीं है, गलत है आप, हम कभी विरोधी नहीं है, किसी मूवी का विरोधी नहीं है, विरोधी आप लोग हो जो नहीं चाहते कि कोई सही विषय जनता तक पहुंचे। विरोधी महिला विरोधी काम आप करते हो, आप उस आंदोलन का समर्थन करते हो कांग्रेस के लोग जो देश को बांटने का काम करते हैं। इस देश में हम और सब आप मिलके ही अगर इस देश के बारे में नहीं सोचेंगे, कोई पड़ोसी सोचने आएगा। आपकी सोच पड़ोसी की है, आप पड़ोसियों की सोच सोचते हो। आप इस देश के बारे में अगर सोच लियो तो साहब, आज ये स्थिति नहीं होती देश के अंदर, आज ये स्थिति पैदा हुई है उसके पीछे आप हैं, ये समझ लीजिए। और पिक्चरों की जहां तक बात है सुन लीजिए साहब, पिक्चरों की बात है, बिहार के अंदर छपाक तक फ्री है, उत्तर प्रदेश में देशभक्ति फिल्म तानाजी टैक्स फ्री है, तो भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ विभेद नहीं करती। ये ऐसी पार्टी, ऐसा संगठन है, यहाँ के लोग वंदे मातरम के नाम पे अपना पूरा जीवन दे देते हैं, कांग्रेस के लोगों की तरह गाल बजाने का काम नहीं करते, देश को बांटने का काम नहीं करते। और सुन लीजिए आप सुन लीजिए, आप लोग सिर्फ इस देश में वोट बैंक के लालच में इस देश को बांटने का काम किया है। आज आप वही पूछिए, आपने बच्चों से नहीं पूछा जो आंदोलन हासिल है कि क्यों नहीं महंगाई के खिलाफ आंदोलन हो रहा है, क्यों नहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हो रहा है? कहीं भी कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई आंदोलन में क्यों नहीं खड़ी होती? फिल्म के जो हीरो हीरोइन है वो तो बुराई के खिलाफ नहीं, चलिए मुद्दे से मत भटकिए, मुद्दे से मत भटकिए। संदीप जी और रफी जी, चलिए नहीं ठीक है। तो रफी जी आपसे सवाल ये कि तान्हा जी में बुराई कहाँ नजर आई? आपने मूवी देखी सर? नहीं भी देखी तो क्या आपको पता है इसके बारे में? कहीं क्रिटिक की बात सुनी, कोई बुराई नजर आई? तो ये सपोर्ट क्यों सर? अब क्या राजनीतिक पार्टियों के पास मुद्दा नहीं रह गया? सब मुद्दा नहीं रह गया? नहीं, आप साफ तौर पर छपाक के साथ, छपाक के बारे में बिल्कुल शेम ऑन, इन लोगों के लिए शर्म की बात है। वो एक ऐसी पीड़ित जो महिलाएं हैं उन पर फिल्म बनी है,
उनका दर्द बयान किया दीपिका पादुकोण ने, आप उसका विरोध कर रहे हो। अरे वो देश के लिए संदेश फिल्म है, संदेश फिल्म है वो देश के लिए। जब मैं यही बात आपसे कह रहा हूँ, कांग्रेस के लोग क्यों किसी अच्छी आंदोलन का साथी नहीं बनते, क्यों हमेशा बुरे लोगों के साथ खड़े रहते हैं? सारा देश संविधान के साथ खड़ा है आज। आप जो इस देश सारा देश संविधान के साथ खड़ा है, जो व्यवस्था है आपका छोड़ के सारा देश संविधान के साथ खड़ा है। आप सोच रहे हो कहां जा रहे हैं? आपने देखा एक वीडियो? आपने कभी सोचा है? आपने देखा आपके विधायक की नौबत आ गई? आपके नेता की नौबत आ गई? राजनाथ सिंह जी को कहते हैं 78% जनता हमारे खिलाफ है। परेशान मत होइए, ये आपके विषय आपके विधायक आपके नेता राजनाथ सिंह को वीडियो में क्या बात करिए? वीडियो वायरल है, बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चले गए, विषय पे बात करने आ रहे हैं सर। विषय पे बात करिए, जनता तुम्हारे खिलाफ है, बात करिए, चिल्लाने से नहीं होगा, विषय पे बात करिए सर। विषय पे बात करिए, क्यों नहीं भ्रष्टाचार पर जनता तुम्हारे विधायक कह रहे हैं खड़ी होती है? आपके विधायक कह रहे हैं ये बात, आपके नेता कह रहे हैं, और आपके रक्षा मंत्री को कह रहे हैं सर के साथ नहीं, शर्म की बात है आपको खड़ी होती है। अभी भी सुधर जाओ, कांग्रेस का मूल यही है, समझ जाओ, आग लगाओ, अभी भी समझ जाओ, यही है कि देश भी समझ जाओ। ये भारत है कि जो भारत है के चलने की बात करे उसको इज्जत करो, मान लो, चिंता की बात करो, मान लो इस बात को कि ये भारत है। गलत जगह पे आप खड़े हो, आप कांग्रेस से गलत जगह पे खड़े हैं, हम संविधान के साथ खड़े हैं, कांग्रेस के लोग इंशाल्लाह संविधान ही हमेशा रहा, हम आज साहब अंबेडकर के संविधान के साथ खड़े हैं, अब हीरो हीरोइन के सिद्धांत के साथ खड़े हैं। हीरो हीरोइन से काम चला के इससे देश में वोट नहीं मिलने वाला, कांग्रेस अब भूल गई है। अरे सर आप विरोध करते रहो, विरोध करते रहो, विषय को कहीं भी नहीं छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी कितनी राजनीति करेगी? भारतीय जनता पार्टी क्या नेताओं का विरोध करना शुरू कर सकेगी? गलत नहीं कर, देशभक्ति को कहां लेके जा रही हो यार? सब लोग अपनी बात रख रहे हैं, आप देशभक्ति को कहां लेके जा रहे हो ना? देश में आप कहते हो ना कि आंदोलन हो रहा है, देशभक्ति को कहां लेके जा रहे हो? इसी देश में रखने की जो अभिव्यक्ति है उसकी स्वतंत्रता मिली हुई है। आप देखिए कांग्रेस के लोग आग लगाते हैं, सही बात को सही कहना भी इस देश में अभी तक कांग्रेस की दृष्टि में गलत जानता है। सही देश जान चुका है, आग कौन लगा रहा है? में भी देश जान चुका है, आग कौन लगा रहा है? कितनी बच्चा भी बता देगा, बच्चा बच्चा भी बता देगा क्या? दो आदमी इस देश में आग लगा रहे हैं, दो आदमी इस देश में आग लगा रहे हैं, पसंद नहीं है क्या? बच्चा बच्चा भी बता देगा ऐसी क्यों देश में आग लगा रहा है? सोचिए कभी कांग्रेस ने कि कांग्रेस आने वाले समय में कहीं ऐसा ना हो कि देश की इतिहास बन जाए। अगर कांग्रेस ऐसा कर रही है तो आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए कि क्या छपाक का इशू उठाओगे? संदीप जी एक मिनट संदीप जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आग लगाने का काम कर रही है, तो सर सवाल ये है, छपाक का इशू आपको पता होगा सर कि क्या, किस तरह का छपाक का इशू क्या है, किसके ऊपर बेस्ड है, किस कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, और ये सोशल इशू है सर और गंभीर विषय है। तो क्या ये ना माना जाए कि सिर्फ जेएनयू जाने की वजह से दीपिका के, उन्होंने हालांकि कुछ कहा नहीं था, उसके बाद तान्हा जी को टैक्स फ्री करना, तो सियासत कर कौन रहा? आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आग लगा रही है। देखिए भारतीय जनता पार्टी पहले ही कह चुकी है, जो पिक्चर्स हैं, मूवीज हैं, जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसकी स्वतंत्रता का बाधक नहीं है। हम तो दोनों की तारीफ कर रहे हैं, दीपिका जी ने भी अच्छा अभिनय किया है और ताना जी भी एक अच्छी मूवी बनी हुई। तो दोनों को टैक्स फ्री करने कह रहे हैं, जो लोग फिल्म के प्रमोशन को आंदोलन का हथियार बना रहे हैं, जो टिकट लेके सिनेमा देखना चाहते हैं उनको धमका रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, जो छपाक देखने जाते हैं उनको धमका रहे हैं, स्टूडियो में कहेंगे आग लगा देंगे, स्टूडियो को तोड़ देंगे। अरे क्या बात है यार, कहां से इंटॉलरेंट, आप कहां ले जाओगे इंटॉलरेंट लेके इस देश को? मुझे ये बताओ इस देश को कहां लेके जाना चाहते हो आप कहां ले जाना? क्या देश के दो ही नागरिक है हमारा राष्ट्र नरेंद्र मोदी और अमित शाह, और इस देश का नागरिक नहीं है कोई? ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे देश के अस्मिता पे कोई खतरा है। हम सब लोग आपके सर्टिफिकेट देने का ठेका ले लिया हिंदुस्तान को। अरे सर हम सब अच्छा सोचे, कहाँ सोचते हो, सारा बुराई सोचते हो आप, कर रहे हो भी नहीं कर रहा हूँ, बुराई आप कर रहे हो, मैं नहीं कर रहा, छोड़नी हो तो घर घर हो, गाल को खींचा में खराब हो जा रहे हो, मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ सर, अरे सर मैं आपको आईना दिखा रहा हूँ, दूबे भी आईना दिखा रहा हूँ होती कि आपको आईना दिखा रहा हूँ, जितना कम से कम अभिनेताओं को रिकॉर्ड के कलाकारों को करते हैं, इनको छोड़ दो, ताना जी से भी प्यार करते हैं, आप यहाँ छोड़ दो करके बात कर रहे हो, तो हटके तुम बात, गलत बात है, गलत बात, विभेद मत करिए। इस देश के जो अच्छा ये बताइए कलाकार हैं और जो मुंबई के अंदर काम करने वाले लोग हैं उनकी बेहतरी, लेकिन अमीर को और अमीरी बना रहे ना सर, दोनों पार्टियों से सवाल है कि जो टैक्स फ्री किया गया, चलिए
देखिए सर, सियासत नहीं हो रही है, अगर कोई एक पार्टी कह दे तो मैं मान नहीं सकती, सियासत तो हो रही है लेकिन अमीर को अमीर बनाने की सियासत हो रही है। ये सबको पता है सर कि फिल्म स्टार्स की कमाई क्या होती है, और आज वाकई में ये विडंबना है कि देखिए महंगाई दर देखिए, बेरोजगारी का हिसाब किताब देखिए, लेकिन विपक्ष हो या सत्ता में बैठा पक्ष हो कोई इस पर बात नहीं कर रहा है। टैक्स फ्री किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, प्रमोशंस किए जा रहे हैं। अब राजनीति का लेवल यह हो गया है कि फिल्मों के प्रमोशन हमारे पॉलिटिशियंस कर रहे हैं, जिन्हें हमने काम दिया, जनता ने सत्ता पक्ष को काम दिया कि हमारे लिए आप काम कीजिए और विपक्ष कहीं ना कहीं उसे काउंटर करे। ये स्तर हो गया है सर, थोड़ा सोचिए कि आप अमीर को अमीर बनाने का काम कर रहे हैं या नहीं। श्वेता जी, संवेदनहीन लोग हैं ये, संवेदनहीनता इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, ना ये मानवता जानते हैं, ना महिलाओं का सम्मान जानते हैं। अरे आप कुछ नहीं जानते सर, आप कुछ नहीं जानते, आप बिल्कुल बिल्कुल संवेदनहीनता है, बिल्कुल संवेदनहीनता है। आपने बच्चों के ऊपर हमला करवाते हो, जेएनयू में घुस के भागते हो, जनता को डिसाइड करने देते हैं कि कौन सियासत कर रहा है कौन सियासत नहीं कर रहा है। लेकिन सवाल मैंने दोनों पार्टियों से पूछे, तान्हा जी में बुराई क्या थी, अगर रफी जी से पूछा तो रफी जी ने जवाब नहीं दिया, उन्हें कोई बुराई नजर नहीं आती, फिर भी कांग्रेस छपाक को सपोर्ट कर रही है। और संदीप जी से जब मैंने पूछा कि आपको छपाक क्या सोशल इश्यूज नजर नहीं आए, क्या अच्छा मुद्दा नहीं था, क्या लोगों को जागरूक नहीं होना चाहिए, इस तरह की मूवी को आपको टैक्स फ्री नहीं करना चाहिए, तो उनके पास भी जवाब नहीं था। हाँ, उन्होंने ये कहा छपाक मूवी अच्छी है, दीपिका पादुकोण ने बहुत अच्छा काम किया। तो अब आप समझिए दोनों पक्ष ने अपना काम कर दिया है, काम अब आपका है, जनता को डिसाइड करना है कि क्या कौन सियासत कर रहा है। और देखिए सियासत किस स्तर तक पहुंच चुकी है कि अब फिल्म सितारों की प्रमोशन खुद पॉलिटिशियंस कर रहे हैं। बस फेस टू फेस में आज बस इतना ही, दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए आ9 टीवी सिर्फ खबर के लिए।